हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिन की शुरुआत हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से करते हैं, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे घर पे ये नन्हा सा कृष्ण ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम इसके दादू इसके लिए प्यारी सी कॉस्ट्यूम लेकर आए हैं। तो देखो, हम लोग इतने इंटरेस्टेड हैं इसको देखने के लिए, और इतना चाव लग रहा था इसको देखने का। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये। ही इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाई लव एंड ऑलवेज लाइक गिवन सो मच अटेंशन। तो ये इसके छोटी दादी भी आ गए हैं इसके पास। इसको नींद आ रही है, पर फिर भी बेचारे पर ये जुल्म किया जा रहा है। इसको ईयर रिंग पहनाए जा रहे हैं। इसका पहला वर्ड ना दादा था। दादा का बहुत प्यारा है, बहुत चहीता है, तो ये दादा ही इसको मुँह पे आया। पहले दादा बोलता था, अब ये दीदी दीदी दीदी, तो सबको ये दीदी 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 करके बुलाता है। हैप्पी जन्माष्टमी बोलिया दादी, बाबा बेटा दादी बोलिया जा मटके दोस्तों, बोलो घूमने, बोलो घूमने तो गया है आज, घूमने जा रहा हम सड़क को, चल घूमने जाएंगे आज, पार चल सड़क में जाएंगे आज, आजा आजा सड़क में जाएंगे। ये हुई है, ये देख मटके, देखो ये देख मटके, ये इसकी बांसुरी रे हुई है ना, ये कृष्ण भगवान को मचा है माला, छोटा जैसा कान्हा है, छोटा तो देखो मम्मी हो गए तैयार महिला मंडल की ड्रेस में, आज इनकी परफॉर्मेंस है। तो मम्मी कैसी तैयारी है आपकी? बेस्ट 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 तैयारी चल रही है क्या? बेस्ट से भी बेस्ट। अच्छा चलो, ऑल द बेस्ट आपके लिए, अच्छे से परफॉर्म करना, हम आएंगे आपको देखने। जल्दी जल्दी, ठीक है ठीक है, जाओ हम भी तैयार होते तब तक, बाय। जल्दी करो, ओके मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक बोलो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। तो आज है मेले का दूसरा दिन। आई होप सो कि मैं आपने मेरा रिसेंट वाला व्लॉग देखा होगा, मेले का पहला, बस अभी अपलोड होने वाला है, वैसे थोड़ा टाइम हुआ। युवान को लेकर दादू उसके चले गए हैं, और मैं और भाभी भाभी कॉल पर हैं। मम्मी ऑलरेडी चले गए क्योंकि उनका प्रोग्राम है। कोई बात नहीं, सब तो हमारी महिला मंडल छतरी की औरतें तैयार हो गई है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। और कहाँ गई? किचन में पुजा रहे हैं। ये आ गई हमारी, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय। सो मम्मी की परफॉर्मेंस की वीडियो मैंने सेपरेटली डाली है, प्लीज आप मेरे चैनल में देखना। मैं ये परफॉर्मेंस देखने के बाद ऊपर चले गई थी जहाँ पे युवान और भाभी थे, और देखो ये सबके साथ घुल मिल जाता है, ये इनको जानता भी नहीं है, तब भी ये घुल मिल गया है आराम से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवता हमारे आ रहे हैं, मंदिर में इनका आवास स्थल रहता है वैसे। अब देखो एक एक करके आ रहे हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है देखने में। मैंने इतना रिलेट कभी नहीं किया अपने कल्चर से, पर जैसे जैसे यू ग्रो ओल्ड एंड उसके बाद ज़्यादा जुड़ाव फील होता है आपको अपने कल्चर से, तो यही वाला जुड़ाव मुझे इस समय फील हुआ। और इतना सुंदर, और जो वाइब होती है ना इस टाइम पे एनवायरनमेंट की, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत स्ट्रांग होती है ये वाइब, तो मैंने पहले कभी इतनी महसूस नहीं की। अब देखना ये लोग बहुत प्यारे से डांस करेंगे साथ में, और ये इतने क्यूट मोमेंट्स होते हैं बीच में इनके, कि जो शिव जी हैं ना हमारे कुल देवता मगर महादेव जी हैं, जो उनके यहाँ वहाँ जगहों से जो जैसे दूसरे शिव जी के ही रूप होते हैं, जो शिव जी के भाई हैं, तो इनका इतना रहता है कि इनको शिव जी के साथ ही रहना है, साथ ही बैठना है, तो उसके लिए लड़ाई भी करेंगे। अब देखना कितने प्यार से इनकी ग्रीटिंग्स होगी। अगर ये रूठना मनाना भी इनका चलता रहता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच इट।
इन्हें शायद ये वाले देवता हैं, ये शिव जी के भाई लगते हैं जितना मैंने पूछ के पता किया। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, पर जितना मुझे पता चला है ये शायद से इसलिए रूठ रहे हैं क्योंकि इनको जो हमारे कुल देवता हैं मगरू महादेव, इनके साथ खड़े होना है। क्योंकि इनको जगह ये ऐसे क्लेम करते हैं कि मैं इनका भाई हूँ तो मुझे इनके साथ ही बैठना है, इनके साथ ही रहना है। तो देखना जब ये ऊपर भी बैठेंगे ना तब भी ये रूठेंगे, तब भी ये ज़िद करेंगे कि इनको इनके साथ बैठना है। और ये वाली पावर और एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है ना तो बहुत लोगों के बीच के अंदर ना वो वाइब्रेशन आ जाती है। तो हमारे पहाड़ी में उसको बोलेंगे कि लॉ रेचनो। अब ये समझाना नहीं मुझे शायद से आ पाएगा, बट यू गेट पोजेस्ड बाय द वाइब। तो ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं, मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपको दिखाई दे। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा भाई ही है, जो भाई लगता है ये मेरा। और इसको इस टाइम पे एनर्जी से इन्फ्लुएंस वो मतलब पोजेस करती है वो वाली पावर्स, विच इज़ वेरी होली एंड वेरी प्योर एज वेल। तो यू जस्ट हैव टू टेक केयर, दिस इज़ द इन्फ्लुएंस, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द एनर्जी दैट यू आर सराउंडेड विद। और ये बहुत ज़्यादा डिवाइन एनवायरनमेंट होता है ये इस टाइम पे, एंड यू हैव टू वर्शिप इट एंड यू हैव टू सबमिट योर सेल्फ। और ये सब ना लोग जान के नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है ना कि जो हमारे ये डेटीज़ हैं ये खुद चूज़ करते हैं ऐसे लोगों को। ये उन लोगों को चूज़ करते हैं जिनमें क्षमता होती है कि वो निभा सके, टू बिकम अ मीडियम बिटवीन द गॉड एंड द कॉमन पीपल। ओके, तो क्या रहता है कि द पर्सन हैज़ टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स, लाइक इफ़ ही इज़ इनटू लिकर, इफ़ ही ईट्स और कंज्यूम नॉन वेज, तो उसको वो छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये नियम है जो उसे पालने पड़ते हैं। तो सबके बस की बात नहीं है ये। और मैं आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखा पाऊँ इसलिए नीचे चलेगी। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर बना है, ये जो हमारे देवता हैं कितने अच्छे से इनकी सजावट की गई होती है। और जो छत्तर है ना ऊपर, ये हमारे देवता का जो है कुल देवता जो है मगर महादेव जी, उनका सोने का है और बाकी जितने भी है इनका पीतल का है। आई मीन आई कैन सी कि यहाँ पर दो देवता जो हैं, शायद से दूसरे भी शिव जी के ही रूप हैं, तो इनका भी एक छत्तर वो है सोने का है, बाकी सबका चांदी का है। और ये बहुत सारे इनको ज्वेलरी से इनको सजाया जाता है और मंदिरों में स्पेशल इनके लिए कायदार होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये ढोल नगाड़ा जो भी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। शादियों में आप जाओगे तो वहाँ देखना ढोल नगाड़े वहाँ पे बजते हैं, तो हम इन्हीं को यूज़ करते हैं, इन्हीं लोगों को बुलाते हैं। तो देखो देवता के साथ भी जहाँ पे कोई मरता भी है वहाँ पर भी हम बजाते हैं, तो उल्टा ढोल बजता है उधर। तो ये देवता जो है ना ये शिव जी का ही दूसरा अवतार है, शिव जी के भाई हैं। अब देखना ये रूठ गए हैं, ये ज़िद कर रहे हैं कि इनको शिव जी के साथ ही बैठना है। सो आप लोग देख सकते हो कि जो जो देवतागण हमारे यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस से हमारे प्रांगण को सुसज्जित किया है, वो लोग वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और अब कल्चरल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, मेरी मम्मी का जो परफॉर्मेंस भी थी महिला मंडल छतरी की और बाकी गांव के लोगों की परफॉर्मेंस भी, तो वो सारी यहां पर हुई हैं। और ये मेरा भाई करण है जिसके साथ मैं काफ़ी व्लॉग्स डाल भी चुकी हूं, इसकी परफॉर्मेंस है तलवारबाजी से शुरू किया।
और ये पूरी वीडियो मैं सेपरेटली अपलोड करूँगी अपने चैनल में, वहाँ पर देखिएगा ज़रूर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।